यूपीएससी एस्पिरेंट्स, और कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम लोग सीसैट में अनुपात और समानुपात कर रहे थे, क्योंकि मिक्सचर एनालिगेशन जो करना था वो इसी से रिलेटेड टॉपिक है। ठीक है, तो बिल्कुल देर नहीं करते हैं, बस एक ही रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर PDF वगैरह मिलती रहती है, आसानी से आप अपने UPSC की तैयारी कर सकते हैं। GS Paper 1, GS Paper 2 और GS Paper 3 की कक्षाएं लगातार चल रही है, तो प्लीज़ आप सभी से सजेशन है, अगर आप नए हैं तो जाके एक बार उन सेशन को ज़रूर देखिए, आपकी UPSC में वो जान डाल देंगे, क्योंकि वो बहुत बेहतरीन कंटेंट है, विश्वास करिए बहुत मेहनत लगी है उनको बनाने में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। बस इतनी सी ध्यान रखिएगा कि चीज़ों को अच्छे से कंप्लीट करते जाइए, बिल्कुल टाइम नहीं है 2023 को लेके। ठीक है, और हम लोग अब एक नए स्टैंडर्ड मोड में आएंगे, एक प्रोफेशनल मोड में आएंगे, जैसे पढ़ाई करनी चाहिए वैसे वैसे रेगुलर एकदम। ठीक है, तो चलिए बिल्कुल है ना लापरवाही बरतना है, चलो शुरू करते हैं। आज क्या कर रहे थे? अनुपात समानुपात पहला सेशन जरूर देख लीजिएगा। आज दूसरे सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं Type 2 पे। Type 1 में हम लोग बेसिक समझे थे कैसे अनुपात निकाला जाता है, आज उसी में एक कदम आगे आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 Type 2 क्या कहता है? दो संख्याओं का अनुपात 3:8 है तथा इनका अंतर 115 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन UPSC में आते हैं, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन, बिल्कुल भी हेडेक नहीं लेना है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आराम से आप सॉल्व कर पाएंगे। बस एक ही चीज़ करनी है, कंटिन्यूटी बना के रखनी है, क्योंकि मैथमेटिक्स भूल जाती है बहुत जल्दी अगर आप उसके बैकग्राउंड से नहीं हैं तो। ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा कंटिन्यूटी रखिएगा, बीच बीच में रिविज़न ज़रूर करते रहना है। तो कैसे होगा देखिए, अगर दो संख्याओं का अनुपात दिया है ना, तो हम लोग जानते हैं कोई फार्मूला वगैरह तो यूज नहीं करते हैं, बेसिक्स फंडामेंटल पे चलते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, ऐसे लिख लीजिए 3.8, मतलब 3:8 है ना, 3 इसको H2 कहते हैं, 3:8 है ना रेशियो को, 3:8। ठीक, तो ये क्या आ गया, अनुपात आ गया 3:8। देखो अंतर पूछा है ना, अंतर डिफरेंस, डिफरेंस मतलब दोनों में डिफरेंस क्या है। कोई दो संख्या है जिनका अनुपात 3:8 है, उनका अंतर भी दे रखा है, अंतर लेकिन हमें अंक में दे रखा है, कितना है 115। तो पूछ रहा है बड़ी संख्या क्या है। तो देखिए जब भी अंतर पूछे तो हमें कुछ नहीं करना है, बस इनका जो अनुपात है ना इसका अंतर निकाल लो। तो ये बताइए इसका अंतर कितना है भाई, 8 में से 3 गया तो अंतर कितना आ गया, 5 आ गया ना। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। अब एक काम करेंगे, 115 को 5 से भाग दे दीजिए। ठीक है, चलिए तो क्या आ जाएगा, 5 × 2 = 10, बचा कितना 1 और 5 × 3 = 15, कितना आ गया 23, 23 आ गया। अब आपसे पूछ रहा है बड़ी संख्या, तो ये बताइए अनुपात में बड़ा कौन लग रहा है, सीधी सी बात है 8, तो इसी को हम क्या करेंगे 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, 8 × 3 = 24 के 4 ऊपर 2, 8 × 2 = 16 और 16 × 2 = 18। ठीक है, 184, क्या किसी ऑप्शन में दिख रहा है, हाँ ऑप्शन सी, और ये हमारा उत्तर होगा। ठीक है, फिर से बता दे रहा हूँ कैसे करना है। देखिए अगर आपसे सिंपल सा ऐसा क्वेश्चन आए, दो संख्याओं का अनुपात इतना है, उनका अंतर इतना है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो हम क्या करेंगे उस अनुपात का डिफरेंस ले लेंगे। ठीक है, मान लीजिए 5 आया, तो जो अंतर वाली नंबर है ना उसको भाग दे देना, भाग दे दोगे कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा है ना। बस अब देख लेना बड़ा पूछा है कि छोटा, बस उस हिसाब से मल्टीप्लाई कर देना, उत्तर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस पे करेंगे तो आराम से चीज़ें हो जाएंगी। देखिए लिखा है दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 3:5 है, उनका अंतर 16 हो तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए फिर से मैं कर रहा हूँ, 3:5, तो अंतर कितना है भाई, अंतर है 2 का, सीधी सी बात है ना 2 का, और पूछ रहा है जो अंतर है ना वो 16 दे रखा है। ठीक है, 16 ले लेते हैं, तो मुझे पता है डिफरेंस का जो रेशियो है वो कितना है 2, उसी से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 8 आएगा, बोलो ना 8 आएगा। अब सवाल पूछ कह रहा है छोटी संख्या है ना, स्मॉलेस्ट नंबर, तो ये बताइए इसमें से छोटा कौन है, 3, तो गुणा कर दीजिए 3 से, तो क्या हो जाएगा 8 × 3 = 24, तो किस ऑप्शन में है 24, ऑप्शन बी, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, बहुत बेसिक सा, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, विश्वास करिए सी सैट बहुत आराम से निकलेगा, बस जितना मैंने शुरू से कराया ना एक बार उसको देख डालो, बस देख डालो उसी का एज इट इज़, ऐसे ही नोट्स बनाने हैं, किसी किताब को लेने की ज़रूरत नहीं है यार, 33% नंबर चाहिए उसमें भी तुम किताब ढूंढ रहे हो। ठीक है,
बस बेसिक्स पढ़ लो, कोई भी किताब लेके आओगे ना, विश्वास करो इतने फॉर्मूले होंगे कि आपका दिमाग दही हो जाएगा। और यूपीएससी का एक बार पेपर उठा के देख लेना क्या लेवल है उसका। क्वेश्चन को वो टफ नहीं पूछता, थोड़ा सा घुमा के पूछता है, ठीक है? तो हम अगर फॉर्मूले बेस पे जाओगे तो हमेशा फंस हो गए। ये सब तरीके ऐसे हैं ना, वहाँ पे क्वेश्चन टैकल कर ही ले जाओगे आप, ये मान लो। इसीलिए बुक्स नहीं, अपनी नोट्स पे भरोसा करिए, हमेशा आपका सी सैट कभी नहीं रुकेगा। चलिए अगली बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? दो संख्या जिसका अनुपात है 3:1, क्या है? 3:2 उनका अनुपात है, और इनका जोड़ है ना, इनका जोड़ कितना है? 50 है। तो बड़ी संख्या बतानी है। देखो अगर जोड़ आए तब तो सबसे आसान है, अगर अंतर आया तब तो टफ है भी है, लेकिन जोड़ आएगा तो उससे आसान कुछ है ही नहीं। तो क्या करना है, 50 को ना इसी रेशियो में बांट दो, क्योंकि दोनों संख्याएं भाई 50 हैं, उनका ऐड है, तो इसी रेशियो में बांटना है। रेशियो में बांटने के लिए क्या कर सकते हैं, इन दोनों को जोड़ लीजिए। भाई डिफरेंस में क्या कर रहे थे, घटा रहे थे, अब क्या करेंगे, जोड़ेंगे, सीधी सी बात है, क्योंकि वो जोड़ दिया है हमें। कितना गया, 5। तो पूछ रहा है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या क्या है, 3। तो इसमें गुणे कर दीजिए 3 और भाग दे दीजिए इस संख्या से। यही तो करते थे अभी तक, अभी तक क्या करते थे, डिफरेंस लेते थे, अब जोड़ ले लेंगे बस। तो काट दीजिए, कितना आ जाएगा, 10। 10 बार किया ना, तो 10 3 30, तो किस ऑप्शन में दिख रहा है, 30, ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी, और ये हमारा सही होगा। क्या कहते हो, है ना इजी? चलिए, तो हमने 3 क्वेश्चन देखा, और तीनों में क्या दिया था, अंतर अंतर, और एक में जोड़ दे रखा था। बेसिक फाउंडेशंस हैं ये, आराम से कोई भी गलती नहीं करिएगा, इतनी चीज़ें तो सीखनी ही पड़ेंगी। चलिए अगली बात करते हैं टाइप 3 पे, क्वेश्चन नंबर 12। थोड़े से अच्छे सवाल हैं, थोड़े से बढ़िया सवाल हैं, इन सवालों को कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। देखिए ये जो सवाल है इसमें लिखा है राम तथा श्याम की आय का अनुपात 5:2 है, मतलब एक राम व्यक्ति है, एक श्याम है, दोनों के आय मतलब उनकी जो एज है उनका अनुपात है 5:2, है ना, आय मतलब इनकम है ना, जो वो इनकम कमा रहे हैं, तथा इनके खर्चे का अनुपात 4:1 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति 2,000 की बचत करता हो तो श्याम की आय बताइए, मतलब ये कमा भी रहे हैं, खर्चा भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ बचत भी कर रहे हैं, लेकिन बचत नंबर में दे रखा है, ये दोनों हमें रेशियो में दे रखा है। तो पूछ रहा है जो श्याम है वो कितना क्या कर रहा होगा, हमें कमा रहा होगा, यही बताना है। इस क्वेश्चन को करने का सबसे अच्छा तरीका है, एक काम करिए यहाँ पे लिख दीजिए ऊपर आय, यहाँ लिख दीजिए खर्चा, ठीक है, क्या लिख दीजिए, खर्चा, और यहाँ लिख दीजिए उनकी जो बचत है मतलब सेविंग, ठीक है, इतना कर दिया, ठीक है। आय का अनुपात कितना है, 5:2 है, और यहाँ राम है और यहाँ श्याम है, यहाँ तक कोई समस्या, ठीक है। खर्चे का अनुपात कितना है, 4, और यहाँ 1, ये भी लिख दिया, ठीक है। बचत कितना है, 2,000, तो यहाँ 2,000 लिख दीजिए और 2,000 लिख दीजिए, यहाँ तक भी मुझे लगता है कोई समस्या नहीं होगी। अब यहीं से एक चीज़ ध्यान रखनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, मतलब 5 को 1 से गुणा करना है, 2 को 4 से गुणा करना है, ठीक, और यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर देना है और यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर देना है, बस जो आएगा उसको लिख लो, ठीक। चलिए देखते हैं, क्योंकि आय खर्चा बचत तीनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इसीलिए ये तरीका सबसे बेस्ट है। तो क्या करेंगे, देखिए 5 1 कम 5, तो लिख दीजिए 5, अनुपात लगा दीजिए, 4 2 8, यहाँ 8 लिख दीजिए, लिख दिया, अब इसको कर दीजिए बराबर, कर देंगे, फिर 4 2 8, यहाँ 8,000 लिख दीजिए, क्योंकि भाई 4 2 8 8,000 हो गया, और उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 1 कम 2, यहाँ पे आप क्या कर देंगे, 2 1 कम 2, तो यहाँ लिख दीजिए 2, ठीक, 2,000। बस ध्यान रखना है यहाँ माइनस का चिन्ह लगेगा, क्या लगेगा, माइनस का निशान लगेगा। अब ये बताइए इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 3, यहाँ भी माइनस ही लगेगा, सॉरी, है ना, माइनस ही लगेगा, तो जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3, यहाँ पे डिफरेंस कितना आ जाएगा, सीधी सी बात है 6,000 आ जाएगा कि नहीं, बोलिए कितना आ जाएगा, 6,000। अब आप क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, किसको, मतलब 3 को इधर चले जाके 6 को डिवाइड कर देना है। यहाँ देखिए मैं कर रहा हूँ, मैंने लिखा 6,000 / 3, ये कितना आ गया, 2,000, ठीक, मतलब जो 1 आया ना यहाँ पे, क्योंकि यहाँ जब 3 चला गया तो क्या बचा, 1, तो मतलब जो रेशियो आया ना, रेशियो में 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2,000।
अब मुझे पूछ रहा है श्याम की आय। तो श्याम की आय कितनी है? सीधी सी बात है, 2 पे है ना, बोलो ना, 2 पे है। तो इसी 2000, क्योंकि 2000 की वैल्यू 1 है तो मुझे 2 पे जाना है, तो 2000 इंटू 2 कर दीजिए, कितना आ जाएगा 4000। ठीक है, किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए सही है। अब देख लीजिए कैसे करेंगे। देखिएगा, आय खर्चा बचत तीनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा राम और श्याम की आय का, या किसी का भी पूछे, तो आय का ऐसे लिख दीजिएगा, खर्चा उसके बगल और बचत लिख दीजिएगा। फिर राम की आय जो है उसको खर्चे से गुणा कर दीजिए श्याम के, तो क्या करेंगे, डिफरेंस आ जाएगा, और इन दोनों में कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो इन दोनों में माइनस कर दीजिए, उसके बाद जो खर्चा है उनकी बचत से रिलेटेड होगा, तो वो 4 × 8000 और 1 × 2000, इससे कर देंगे। तो इन दोनों का डिफरेंस 3 और इन दोनों का डिफरेंस 6, और यहाँ पे अगर इसको डिवाइड में ले जाएंगे, क्योंकि इक्वल है, इधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, 1। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, क्योंकि हमें रेशियो में 1 चाहिए। अगर मुझे 1 पता चल जाए, 1 की वैल्यू कितनी आ रही है, तब तो मैं उसके खर्चे भी बता दूंगा, उसकी इनकम भी बता दूंगा। मुझसे खर्चे पूछेगा तो मैं इसी को खर्चे से गुणा कर दूंगा, अगर इनकम पूछेगा तो मुझे उसे आय से गुणा कर दूंगा, बस यही तो करना है। तो चुपचाप ऐसे कर दीजिएगा, उत्तर आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक आध क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं, आराम से हो जाएगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। आइए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, आ तथा ब का आय अनुपात कितना है, 9:4, खर्चों का अनुपात कितना है, 7:3, और प्रत्येक की बचत 2000 हो तो ए की आय बतानी है। किसकी आय बतानी है, ए की। आइए वही तरीका करेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, आय, फिर क्या लिखेंगे, खर्चा, और फिर क्या लिखेंगे, बचत। कोई दिक्कत? चलिए, यहाँ ए है, यहाँ ए लिख दीजिए, यहाँ बी है, बी लिख दीजिए, कितना आ जाएगा, 9:4, और यहाँ क्या आ जाएगा, 7:3। ठीक, और दोनों 2000 रुपये बचा रहे हैं, तो 2000 यहाँ लिख दिया गया, 2000 यहाँ लिख दिया गया। ठीक, और मैंने क्या बोला, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, बस कर दीजिए। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 9 × 27, 27 माइनस लगा दीजिए, और 7 × 28, यहाँ 28 आ गया। देखिए आगे पीछे से मतलब नहीं है, इस बात को ध्यान रखना, बस डिफरेंस लेना है हमें। फिर कितना जाएगा, 7 × 14, तो यहाँ लिख दिए 14000, माइनस कितना जाएगा, 2 × 6, कितना आ गया, 6000। यहाँ तो कोई समस्या बिल्कुल होनी नहीं चाहिए। 28 में से 27 ये कितना आ जाएगा, 1, और इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा ना, बोलो ना, 8 आ जाएगा, मतलब 14 में से 6 गया, 8 बचा। अब यहाँ मुझे ए 1 मिल गया है, तो मुझे उधर ले जाने की ज़रूरत नहीं है, ना डिवाइड करने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे 1 तो मिल ही गया। जब 1 की वैल्यू मुझे मिल गई, तो अब पूछ रहा है ए की इनकम कितनी है, तो ए भाई साहब कहाँ दे रखे हैं, सीधी सी बात है, ए उनकी आय का अनुपात कितना है, 9 से गुणा कर दीजिए, सीधी सी बात, तो 9×8 72 है ना, कितना आ जाएगा, 72000। कोई दिक्कत? किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। तो क्या सर इस टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी में आते हैं भैया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लो, बिल्कुल आते हैं, क्यों नहीं आते हैं, तभी तो पढ़ा रहे हो। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है, जो करा रहा हूँ बढ़िया से कंप्लीट करते जाइए, विश्वास करिए, उसके बाद जब PYQ करेंगे अपन ना, तो एक बार पूरा रिवाइज हो जाएगा, तो जितनी समस्याएँ हैं आपकी वो पूरी तरह से ख़त्म, और बिल्कुल बिना हेडक के आराम से CSAT होगा। ठीक है, बस करते जाइए, काफ़ी समय है, इसीलिए मैं भी थोड़ा धीरे ही चल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा हरी अप में हूँ नहीं कि होना चाहिए, बस साथ जुड़े रहिए, मेहनत करते रहिए, भटकाव की स्थिति में मत रहिए, बस यहाँ से कर ले वहाँ से कर ले मत करिए, एक जगह पकड़िए, विश्वास करिए, बहुत है। ठीक, बस शिद्दत से। चलिए अगली बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, आर और एस की आय का अनुपात 5:3 हो, उनके खर्चों का अनुपात 9:8 हो, तथा उनकी बचत कितनी हो, 1300 और 900। देखो यहाँ पर बचत अलग अलग दे रखा है, तो बी की आय बताइए। ठीक है, अगर अलग अलग भी दे दे तो क्या करना है, मुझे तो बजट में अलग अलग लिख देना है बस ना। ठीक, तो दो एक मिनट करेंगे सवाल, चलिए करिए फटाफट, एक मिनट का टाइम है, करिए सवाल, देखिए साथ में लगाया करिए, अगर आपको लगता है कि नहीं डबल करके फॉरवर्ड कर देंगे, चीज़ें सीखने में समय लगता है यार, एक बार सीख जाओगे ना तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो पहले कोशिश करिए करिए एकदम नॉर्मल होके चलने का। ठीक है, क्या ज़रूरत है बहुत तेज भागने की। चलिए बताइए, उम्मीद है आप कर रहे होंगे, एक मिनट आपका लूँगा, क्योंकि करना है, क्वेश्चन को करने हैं, प्रैक्टिस करेंगे तभी बात बनेगी, और तभी मेहनत आप करेंगे तो सफलता मिलेगी।
क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। आर और एस की आय का अनुपात दे रखा है 5:3, उनके खर्चे का अनुपात दे रखा है 9:5, तो उनकी बचत 1300 और 900 हो तो बी की आय बताइए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए आइए देखिए, अब मैं करता हूँ, साथ में देखते रहिएगा, करते रहिए। यहाँ दे रखा है आय लिख दीजिए, खर्चा लिख दीजिए, और क्या लिख देंगे हम लोग, बचत। क्या लिख देंगे, बचत। तो ये बताइए इनके आय का अनुपात कितना है, 5:3 है, खर्चा कितना है, 9:5 है, इसका बचत 1300 है और इसका 900 है। ठीक है, मैंने क्या बोला, क्रॉस मल्टीप्लाई हमेशा करेंगे। चलिए 5×25 आ गया, और अनुपात लगा मतलब माइनस लगा दीजिए, 9×3 27, कितना आ गया 27, बराबर कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 9×9 81, मतलब 8100 माइनस कर दीजिए, 13×5 95, ठीक है 95 9500, ठीक है। यहाँ तो कोई वैसे यार 13×65 होता है, सॉरी क्या ना, 13×65 कितना आ जाएगा, 13×65, ठीक है कोई बात नहीं। आइए इसको देख लेते हैं, यहाँ तो आ गया है 2, अब 81 में से 65 गया तो कितना आ जाएगा भाई, ठीक 16 है ना, क्योंकि इधर इधर, ठीक है 1600, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पे 2 है, मुझे 1 चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इसको डिवाइड कर दूँगा, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1600 / 2 कट जाएगा, कितना आ गया 800, बोलिए ना कितना आ गया 800। अब पूछ रहा है क्योंकि 1 मिल गया तो बी की आय बता दीजिए, बी की आय कितनी होगी, सॉरी यहाँ तो मुझे लगता है यस किया है ना, यस 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 किया है, तो यस कितना है, 3 है ना, यस कितना है, 3 है, तो कितना आ जाएगा 800 × 3, कितना हो जाएगा 8×3 2400। किसी ऑप्शन में है, हाँ भैया ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में है, बिल्कुल है, ठीक है हो जाएगा। चलिए तो मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं होगी, इस टाइप के क्वेश्चन आप टैकल कर पाएंगे। एक बार जब हमारा ये अनुपात समानुपात खत्म होगा ना, एक भी क्वेश्चन विश्वास करिए आप फटाफट करेंगे बहुत तेज़ी से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन सोच रहा हूँ आपको होमवर्क दे दूँ है ना, और आप मुझे इसका उत्तर बताएंगे। क्या क्वेश्चन है देख लीजिए, क्या है, पी और क्यू की आय का अनुपात 2:3 हो तथा खर्चों का अनुपात 3:4 हो तो, तथा उनकी बचत 2000 और 4000 हो तो पी की आय बताइए। ठीक है, पी और क्यू हैं, उनका अनुपात भी दे रखा है 2:3, खर्चे का अनुपात भी दे रखा है 3:4, तो, और उनकी दोनों की बचतें भी दे रखी है, तो पी की आय पूछ रहा है। ठीक है, तो करके दिखाओगे, ठीक है क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, देखेंगे चेक करेंगे और आपको बताएंगे आप सही किए हैं कि नहीं। इसी बेस पे करिएगा, बहुत आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर अगले सेशन में मिलेंगे, बस इतनी सी रिक्वेस्ट है, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, और चैनल को अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक आप करेंगे करेंगे। हाँ एक बात और ध्यान रखिएगा कि यार थोड़ा सा शेयर करिए, लोगों को बताइए यार, है ना, जो भी फ्रेंड हैं अपने, जो भी लोग हैं। ठीक, चलिए थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।